वीडियो का टाइटल है आपसे एक शिकायत। आज मेरे एक साथी हैं, वो एक वीडियो देख रहे थे पुरानी मेरी के ट्विटर को पॉलिटिक्स के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने शिकायत की कि रेहान भाई आपका फेलियर नहीं है कि आप 3 साल से लोगों को बोल रहे हैं कि पॉलिटिशियंस को बोल रहे हैं कि आप ट्विटर इस्तेमाल करें और ट्विटर के जरिए अपने SMS पे फॉलोअर बना दें। SMS पे फॉलोअर क्या होते हैं पहले तो मैं ये बता दूँ। पाकिस्तान में 150 मिलियन मोबाइल फोन यूजर है, 150 मिलियन मोबाइल फोन यूजर SMS भी कर सकते हैं और SMS करने के साथ साथ वो आपके ट्विटर की ID को फॉलो भी कर सकते हैं। यानी F:ImranKhanPTI लिखकर जब वो भेजेंगे तो इमरान खान के ट्विटर पे जो कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा उनको SMS के जरिए रिसीव होना शुरू हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लगेंगे। और दूसरा SMS को कर देंगे अपना नाम लिखकर, मिसाल के तौर पे उन साथी का नाम है अयूब खान तो अयूब खान लिख के भेजेंगे, उसी वक्त उनकी एक ID बन जाएगी अयूब खान के नाम से, ट्विटर बना देगा खुद ही फ्री ऑफ चार्ज। तो अगर पाकिस्तान में इमरान खान के 200 मिलियन की आबादी में से 50 मिलियन फॉलोअर हैं तो वो ट्विटर पे हमको क्यों नजर नहीं आ रहे, 1.9 मिलियन फॉलोअर आज नजर आ रहे। फेलियर का जहां तक ताल्लुक है, जब मैंने इमरान खान को पहली दफा मुलाकात करके ये बात बोली थी उस दिन उनके 50,000 फॉलोअर थे और मेरे 1400 थे और फिर मेरे 1,00,000 हो गए और अब उनके 1.9 मिलियन हो गए। तो रेशो के हिसाब से उनके बहुत ज्यादा होने चाहिए थे, आज भी 5-10 मिलियन होने चाहिए थे। ट्विटर को लोग twitter.com पे जाके चला सकते हैं, मोबाइल पे इंस्टॉल करके चला सकते हैं, फिर उसके लिए इंटरनेट चाहिए, लेकिन SMS वो ताकत है जो हर मोबाइल फोन पे चल रही है। किसी के फोन में बैलेंस ना हो लेकिन वो पैकेज जरूर खुला हुआ होता है, उसमें वो SMS कर सकता है और इसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसे नहीं लगते। अब भी कोई फॉलो ना करे तो मेरी समझ से बाहर है और मैं गुजारिश करूंगा सुनने वालों से आज के मुझे बताएं कि लोग क्यों नहीं इसको सर्विस को जो कि फ्री है इस्तेमाल कर रहे। कराची में कराची न्यूज सर्विस चल रही है 40404 पे, वो हमारे एक शागिर्द हैं उन्होंने चलाई, बहुत चल रही है, लाखों से यूजर हैं उनके और इस तरह के बहुत सारे न्यूज 021 वगैरह वगैरह लोग चला रहे हैं। लेकिन ये पॉलिटिशियंस जो हैं और जो लीडर हैं और हमारे जो एंकर्स हैं टीवी पे सुबह, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि हर वक्त ट्विटर की पट्टी आती है, बट सिर्फ मेरी एक गुजारिश है देखने वालों से कि प्लीज इस वीडियो को अगर आप अपने न्यूज एंकर्स को ट्वीट कर दें, आप अपने ऐसे जानने वालों को जो कि मशहूर हों जो बड़े हों उनको बताएं कि भैया एक दिन में एक दफा एक अच्छी सी बात लिखकर ट्वीट कर दिया करो। और नॉर्मल ट्विटर पे खुदा के वास्ते लोगों को कनेक्ट ना करें क्योंकि बहुत SMS आएंगे तो लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे। एक अदद आपकी ट्विटर की एक और ID होनी चाहिए जो कि SMS के लिए हो, जो कि आप आम आदमी से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करें, उस पर एक मैसेज अ डे किसी को बोल दें, किसी सॉफ्टवेयर में लगा दें, IFTTT.com पे लगा दें कि रोज का एक मैसेज चला जाया करे, पहले से एक महीने के मैसेज सेट कर दें, हर रोज एक मैसेज चला जाएगा एक वक्त टाइम पे। और लगाने के बाद वो ऑटोमेटिकली मैसेज चले जाएंगे और लोग आपसे कनेक्ट रहेंगे, लोगों को पैगाम आपका मिलेगा, लोग आपकी अच्छी बात सुनेंगे और लोग खुश रहेंगे। एंड बस ये आपसे आज की शिकायत थी कि क्यों हम अपने लोगों को पस्त रखे। हमें मेरा दिल खून के आंसू हो रहा था, मैं 2-3 दिन पहले एक ऐसी जगह गया जहाँ कराची के अंदर बहुत पुख्ता अच्छी जगह थी साफ सुथरी औरंगी टाउन में, कि टीचरों की तनख्वाहें 2500 रुपये महीना थी, महीना एक लड़की की टीचर की जो सुबह 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक काम करती है। मुझे बहुत दुख हुआ देखकर और मेरी ख्वाहिश है कि ये वो वक्त जल्दी आ जाए कि 2500-25,000 में कन्वर्ट हो जाए। आज मुमकिन भी है बट सिर्फ अवेयरनेस की कमी है, वो हम सब मिलकर ही दूर कर सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम।